हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरी चैनल गार्डनिंग एंड माय पेट्स विद जंगल टूर में। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ गले में खराश सी लग रही है, बट आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप देख सको कि मैंने जो कल थोड़ा शॉपिंग किया था तो उसमें ये मिलाई हूँ। ये एक्वेटिक प्लांट है, उसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। और एक ये है पैनी वॉट्स का प्लांट, जो मैंने यहाँ पे रख तो दिया है अभी पानी डाल के, और कुछ मैंने सॉइल में लगाया है। तो बस यही दिखाना चाहूँगी। और मैंने यहाँ पे सेटअप जो था वो पहाड़ वाला, वो चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ रॉक और मेरा छोटे से जो पॉन्ड है उसको ही रखा हुआ है। इसमें मैं छोटी छोटी फिशेस भी रखी थी, कल मैं लेके आई थी, जो जिसके वहाँ से ये प्लांट एक्वेटिक प्लांट लाई उसके वहाँ से, अभी वो अंदर कहाँ चली गई मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। देखिए 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 देखिए, ये है बहुत छोटी छोटी है। बहुत अंदर चली जाती है तो दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। मौली और गप्पी लेके आई थी, मेरे पास ये कोई तो थी ही, कोई फिश जो मेरे पास, चार कोई फिश है और एक गुरामी है। और ये जो रॉक है, मैंने रॉक बनाया था उसको, मैंने थोड़ा मतलब वाटरफॉल जैसा बना दिया है। वो नेचुरल रॉक है तो उसी हॉल में से मैंने पानी का पाइप दे दिया और ऐसे लुक दे दिया है। लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मेरे हिसाब से तो ब्यूटीफुल है, बिकॉज मेरे पास बैल्कनी बहुत छोटी है और मेरे घर के अंदर ये जो स्पैरोज वगैरह थी तो मैंने मतलब घर के अंदर जेन कॉर्नर का वो कॉर्नर खाली कर दिया है। और यहाँ पे ये लास्ट में कैलेडियम लगाया है। ये दोनों मेरी बेटी के हैं, ये दोनों, तो उसने भी लगाया। मतलब उसमें क्या है कि पर्सिलिन है जो मैं निकाल रही थी, तो मैंने निकाल लिया तो उसने छोटे छोटे ये जो सीडलिंग के कप होते हैं उसके अंदर लगा दिया। और ये वो नर्सरी में से ही कहीं से वो उखाड़ के लाई थी, मेरे हस्बैंड के साथ खड़ी थी तो जंगली घास उखाड़ लिया। मैंने ऐसे डेकोर किया है उसको, जैसे मतलब ये जो क्रिएचर्स होते हैं, रेप्टाइल्स क्रिएचर्स सब यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। देखिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी लगे हुए हैं। ये है लेडी बग, ये सारी लेडी बग्स हैं। और ये है कैटरपिलर, दो एक ये मेरे बच्चे का टॉय है, और ये जो मैंने खुद बनाया है। और ये रॉक जो है मुझे ऐसे ही, ये बजरी, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चलती है तो वो जो बजरी होती है उसके अंदर बालू जो सैंड होती है, जो नदी की रेत होती है, वो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए लाते हैं, शायद बजरी भी उसी को बोलते होंगे, उसके अंदर से ये निकला है। और ये मतलब टोटली लुक है, ये मैं कल ये भी लेके आई थी, ये पर्पल वेलवेट का प्लांट एक था मेरे पास, बट वो चला नहीं, मेरी ही गलती ओवर वाटरिंग की वजह से वो मर गया था। बट मैं उसी नर्सरी में से जाके कल लेके आई हूँ। कल सिर्फ इसी के लिए गई थी, बट दो तीन प्लांट में और लेके आए थे दूसरी जगह पे, दूसरी नर्सरी में गए तो वहाँ पे फिशेस भी रखते थे और बर्ड्स भी रखते थे। तो ये है अखालियापा का, मुझे उसका टोटली प्रॉपर नया नेम नहीं पता है, बट उसी का ऐसा ही नाम है कुछ, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था बट मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा था। एक उसका बेल टाइप का प्लांट था, बेल नुमा होता है वो, बट वो भी ख़राब हो गया मेरा। तो यही दिखाने के लिए मैंने आज का व्यू शुरू किया है, क्योंकि
मैंने जो ये वाटरफॉल रखा था पुराना दूसरा वाला जो मैंने डीआईवाई किया था, ये भी डीआईवाई ही है। खाली मैं रॉक लाई और रॉक के अंदर पाइप जोड़ दिया और इसके अंदर जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है वो लगा दिया है। और नीचे जो है इतना स्टोन है इतना, और ये जो है ये दूसरे दो रॉक है। तो छोटे छोटे पीसेस इकट्ठे करके मैंने सीमेंट में लगा दिए हैं और वही है मेरे पास में। और मेरे जो कैरेट साइप हैं वो झूले में थे तो थोड़ा नीचे से डैमेज हो गया, तो उसको मैंने अंदर वाइट सीमेंट भर के एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया और इसके अंदर सलिया डाल के उसको गमले में उसको वो दिया। मैं कल मेरे पास एक पैर और एक एक्स्ट्रा फीमेल थी बर्ड की, तो कल मैं एक मेल लेके आई हूँ, बहुत प्यारे से हैं। मैं केज में रखना पसंद नहीं करती हूँ मेरे पेट्स को, बट ये लोग जो है वो केज में ही सेफ रहते हैं। क्योंकि आगे मैं लाई थी चिकू मीकू नाम था उसका, तो यहाँ पे भी दूसरा जो लाई हूँ उसका नाम मीकू ही रखा है और पुरानी एक फीमेल थी उसका नाम चिकू ही रखा है। तो ये मेरे टॉय का नाम था, मैं छोटी थी तब एक टॉय था जिसमें दो कपल जैसा था और डक उसका नाम मैंने यही रखा था। तो ये मैंने चिकू मीकू नाम रख दिया। और ये जो बर्ड्स है जो पुराने वाले थे तो वो उड़ गए, अभी जैसे ही उड़े तो मेरे सामने उसको चील ने झपट के पकड़ लिया। क्योंकि वो केज में ही पैदा होते हैं, फार्मिंग होती है उनकी, तो वो केज में ही पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं। तो उनकी जो वाइल्ड लाइफ होती है बहुत घटिया किस्म की होती है। जैसे हमने केज में से उसको आज़ाद कर दिया कि नहीं भाई उसको केज से मतलब निकाल दो, आज़ाद कर दो, लेकिन ये आज़ादी नहीं होती है उनके लिए, सिर्फ मौत होती है। तो कोई भी हमारा जो पेट्स होते हैं उसको ऐसे आज़ाद नहीं करना चाहिए, उसको पहले इतना ट्रेन करना चाहिए कि भाई वो फ्री फ्लाई कर सके। तो मैं तो वैसे भी उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे पास ही रखूँगी, क्योंकि मैंने इनके लिए काफ़ी लंबा केज बनाया है जिससे वो ऊपर से लेकर नीचे तक उड़ सके और इनको नेचुरल एनवायरनमेंट भी दिया है तो वो काफ़ी हैप्पी है। मैं उसको खोलती हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं। बट ये जो दूसरे कल लाई हूँ उसका जो वो है विंग्स है तो वो उड़ के चला जाता है क्योंकि वो नया है। और इन लोगों की भी विंग्स है अच्छी, मैंने उसको कट नहीं किया है, बट वो लोग जाते नहीं है क्योंकि उन लोगों को मेरी आदत पड़ गई है। इसलिए कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि हमारे जो पेट्स होते हैं वो हमसे इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो हमको छोड़ नहीं पाते हैं। और ये देखिए ये मेरी फीसेस है, वो मेरा फेस पहचानती है तो मैं जब भी उसको खाना डालती हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है। अभी वो नीचे ही आराम करेगी, अंदर ही घूमेगी फिरेगी। तो मैं दूसरी भी कोई लाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को कोई काफ़ी पसंद है और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है। और मैं यहाँ पे सेटअप फिर से चेंज करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे एक सीमेंट का दूसरा लंबा वाला लाऊँगी, वो जो पॉन्ड बनाने के लिए सीमेंट का पॉट होता है वो जो लंबा होता है वो, ताकि ये लोग क्या है कोई बड़ी होती है तो वो घूम सके आराम से। और मैं नहीं चाहती कि कंजेस्टेड एरिया में वो लोग रहे, चाहे वो मेरी ये बजट तोते ही क्यों ना हो। मेरे पास अलेक्जेंडर तोता भी है और वो जो इंडियन रिंग नेक होता है वो भी तोता है, और मेरे पास कॉर्नियर बर्ड भी है, कॉर्नियर पैरट, जो काफ़ी समझदार है, वो पीछे पीछे दौड़ता है पानी के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मस्तीखोर है। मैं उसका वीडियो डालूँगी, और मेरे सैंडी के साथ मैं घूमने जाती हूँ उसका भी मैं डालूँगी, जल्द ही वीडियो बनाऊँगी मैं उसका। बस मेरे को यही दिखाना था कि ये जो ये बर्ड्स और ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने मतलब ख़ास फ्रेंड की तरह होते हैं,
अपने लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश इंसानों में भी इनके जितनी बुद्धि हो, है ना। तो ये देखिए, ये मेरी फिशेस है, मैं काफ़ी लेके आई थी, 7-8 वो छोटी वाली, लेकिन वो कहाँ गई मुझे आइडिया नहीं है। ये अंदर ये इसमें है, निकलेगी, बड़ी होगी तो वो भी निकलेगी। तो फ्रेंड्स, यही दिखाना था कि मैं संडे को कहाँ गई थी। मैं संडे को हमारे यहाँ पे एक गांव है नज़दीक में, वो भी जंगल जैसा ही एरिया है, बट कल मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं क्योंकि बारिश थी और बारिश में वीडियो बनाना मेरे को ठीक नहीं लगा। तो वो जो नर्सरी है वो उन्होंने घर में ही बनाई हुई थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम वहीं पे जाऊंगी बर्ड्स लेने के लिए। तो मैं उस नर्सरी का पूरा व्यू दिखाऊंगी आपको कि वो कैसी है नर्सरी। तो आगे की सारी नर्सरी है, पीछे की साइड में फार्म है जिसमें उन लोगों ने काफ़ी अफ्रीकन लव बर्ड, ये बज्जी तोते और फिंच रखी हुई है। तो हम देखेंगे कि वो कैसा है। फ़िलहाल तो मैंने बस इतना व्यू दे दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्यू अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अपना जंगल का जो व्यू है, जो अभी तो बारिश है तो बारिश जाते ही मैं विंटर में दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ पे विंटर में कैसा लुक होता है और मेरा जो सिटी है वो कैसा लगता है। तो अलग अलग जगह का मैं व्यू दिखाऊंगी और मेरे पेट्स जो है उसका भी मैं वीडियो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।